नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछे जाएंगे और साथ में उन सभी सवाल का आपको जवाब भी बताया जाएगा। दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब पहले से पता है तो आप उसका कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए आज का मजेदार सवाल जवाब का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का आज का पहला सवाल है आपके लिए, किस देश में कपड़े का अखबार छपता है? दोस्तों, आपको हर सवाल के लिए 2 से 3 सेकंड का समय मिलेगा। आप चाहें तो उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, स्पेन में कपड़े का अखबार छपता है। दोस्तों, अगला दूसरा नंबर सवाल है, भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर 1 रुपए के नोट पर होते हैं। दोस्तों, अगला तीसरा नंबर सवाल है, किस जानवर का दिल उसके सर पर होता है? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, समुद्री केकड़े का दिल उसके सर पर होता है। अगला आपके लिए चौथा नंबर सवाल है, क्या हम शरीर के अनचाहे बाल को हमेशा के लिए हटा सकते हैं? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, शरीर के बाल को हमेशा के लिए हटाने के लिए 2 तकनीक हैं। पहला है इलेक्ट्रोलाइसिस और दूसरा है लेजर हेयर रिमूवल। यह तकनीक बालों के रोम को जला देती है ताकि वहां से दोबारा कोई बाल न आ पाए। दोस्तों, आपके लिए अगला सवाल 5वां नंबर है, भगवान राम और रावण का युद्ध कितने दिनों तक चला था? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, वाल्मीकि रामायण के अनुसार 84 दिनों तक चला था। अगला 6ठा नंबर सवाल है, मनुष्य कितनी ऊंचाई तक बिल्डिंग बना सकता है? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है, जिसकी ऊंचाई 2716 फीट है। कुछ ही डेयरिंग बाज वर्कर्स 2000 फीट तक की ऊंचाई तक काम कर सकते हैं और 10000 तक की ऊंचाई तक ऑक्सीजन होना मुमकिन नहीं होता है, इसी वजह से वहां पे काम करना मुश्किल होता है। अगला आपके लिए 7वां नंबर सवाल है, घोड़ा 1 दिन में कितना चल सकता है? दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, कोई भी स्वस्थ घोड़ा 1 दिन में 8 घंटे तक औसतन काम कर सकता है। इस हिसाब से देखा जाए तो 30 मील की दूरी चल सकता है, लगभग 50 किलोमीटर तक की दूरी घोड़ा 1 दिन में तय कर सकता है। दोस्तों, अगला 8वां नंबर सवाल है, चम्मच या स्पून का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा, चम्मच का आविष्कार मिस्र प्रजाति में हुआ था। वहां पर लकड़ी, स्लेट, पत्थर, हाथी के दांत आदि से चम्मच बनाया जाता था। कुछ अमीर लोग सोने, पीतल से भी चम्मच बनाते थे। दोस्तों, अगला 9वां नंबर सवाल है, सोते समय कुछ लोगों के मुंह से लार क्यों निकलती है? सही जवाब हो जाएगा, यह लार हमारे भोजन को पचाने में अहम भूमिका निभाती है। यह तब निकलती है जब आप किसी एक करवट से लंबे समय तक सो रहे हों और शरीर की सारी नसें रिलैक्स फील हो। दोस्तों, आपके लिए अगला सवाल है, जो कि 10वां नंबर सवाल है, कोई इंसान 1 किडनी के साथ कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, 1 किडनी के साथ आमतौर पर 25 साल तक जिंदा रहा जा सकता है। अगर खान पान का खास तौर से ध्यान रखा जाए तो सामान्य जीवन 25 साल से भी ज्यादा जिया जा सकता है। दोस्तों, अगला 11वां नंबर सवाल है, सोने से पहले कॉफी का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए या कॉफी क्यों नहीं पीना चाहिए? दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा, कॉफी में कैफीन पाया जाता है जिसकी वजह से नींद खराब हो जाती है। दोस्तों, अगला 12वां नंबर सवाल है आपके लिए, चाय को हिंदी में क्या कहा जाता है? दोस्तों, यदि आपको पता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस सवाल का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी कहा जाता है। दोस्तों, अगला आपके लिए 13 नंबर सवाल है, यदि सपने में खुद की मृत्यु हो जाए तो क्या होता है? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ऐसा माना जाता है यदि सपने में खुद की मृत्यु देखा जाए, इसका मतलब है जीवन में आ रहे बड़ी परेशानी खत्म होकर नई शुरुआत होने वाली है। दोस्तों, अगला सवाल है आपके लिए, जो कि 14 नंबर है, दुनिया में सबसे पहले कौन आया, आदमी या औरत? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, मानव संसार की रचना के लिए भगवान ब्रह्मा द्वारा 2 लोगों को बनाया गया था, एक पुरुष और दूसरा स्त्री। पुरुष थे मनु और दूसरा स्त्री थी सतरूपा। भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले मनु को बनाया था। दोस्तों, यदि आपको इस तरह के वीडियो देखना पसंद है और आप वीडियो देखना अच्छा लगता है आपको, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे में आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा। धन्यवाद दोस्तों।